आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। विगत दिनों घोड़ा डोंगरी के बाजार चौक से छोटी रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को बेदखल किए जाने के आरोप में महासभा के पदाधिकारी ज्ञापन लेकर घोड़ा डोंगरी तहसील कार्यालय पहुंचे थे, जहां तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा ने OBC महासभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से नियमों का हवाला देते हुए ज्ञापन लेने से साफ मना कर दिया था। तहसीलदार का कहना है कि ज्ञापन देने से पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई और तहसील परिसर में 50 से 60 लोग जमा होकर प्रदर्शन कर रहे थे, जो वर्तमान में प्रतिबंधित है, किंतु COVID-19 का उल्लंघन करते कोरोना संक्रमण के बीच ज्ञापन लेने से इनकार किया। उन्हें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पूर्व सूचना देकर ज्ञापन देने को कहा था। वहीं OBC महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार मालवी ने भी प्रशासन पर तानाशाही करने के आरोप लगाए हैं। खड़े धरना दे रहे हैं आप? न्यूज में लगा चुके थे कल। आपने इस न्यायालय को कोई आवेदन दिया, पूर्व सूचना दी है क्या? न्यूज लगा चुके आपके पास रिसीविंग है? है हमारे पास, बताइए रिसीविंग है। ठीक है, मैं न्यूज देखूंगी क्या? मैं यहाँ पर आपने एक मेरी बात सुन लो, कैसे आप यहाँ पर मेरी आप एक बात सुनिए, न्यूज में लगा चुके कि हमने कल ज्ञापन दिया। मैं नहीं दूंगी कोई ज्ञापन, जाइए आप, जिसको देना दे। 6 दुकानें हैं ग्राम पंचायत की जी। किन किन लोगों की दुकानें हैं ये? इसमें से जो 3 है अवतार सिंह के नाम से, एक है ओम मित्तल, एक है जवाहर नामदेव और एक जगदीश अग्रवाल, जिसमें से एक जो है जवाहर नामदेव की दुकान चालू थी, बाकी सभी दुकानें कोरोना काल के पूर्व से ही बंद है। और ये दुकानें क्या अभी भी पंचायत के अधीन है? हाँ, ये अभी ग्राम पंचायत में कोरोना काल में जब बहुत बारिश हुई उस समय बैतूल में एक बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसमें जनहानि तो नहीं हुई, उसको देखते हुए ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है करके उसको ग्राम पंचायत में ही उसको तहसीलदार मैडम और CO मैडम ने बोला कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इसलिए इसको सील किया जाए, तो उसको सील करके रखा है। जो लोगों को यहाँ से हटाया गया है, क्या ये उन्हीं की दुकानें थी? नहीं, बाकी लोगों का तो बंदी था, यहाँ से सिर्फ जगह नामदेव अकेला एक दुकान वाला है जिसको हमने यहाँ से हटाया, बाकी दुकानें पूर्व से बंद। देखिए, आय के साधन के भी कुछ नियम कानून कायदे या कहना चाहिए विधि विधान रहते हैं। अगर आदमी जो ना 2 पैसे कमाएगा तो सबसे पहले रोटी खाएगा, ताकि किसी का कर्जा तो नहीं जाएगा, है ना। तो अगर आप देख सकते हो तो वैसे ही जो ना उसमें से ज़्यादातर परिवार जो है ना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, उनके घर मकान दुकान आप देख लोगे, है ना, तो आप उनको देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। और हाथ की मजदूरी करने वाले लोग हैं, हाथ से कमाने वाले, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कोई धंधा नहीं कर रहे, वो कोई व्यापार नहीं कर रहे किसी चीज़ का, वो तो हाथ की कमाई से, एक बेचारा फुल्की वाला है, 2 नाई हैं बेचारे, बाल काटते हैं, वो हाथ से करते हैं, जितना मिल गया उतना ही करते हैं। लोग लॉकडाउन में तो लगातार 2 महीने तक के उनकी जो ना दुकान ही बंद रखी गई। दुकान में तो नाई संचालित ही नहीं है, जो 8 दुकान है उसमें नाई की एक भी दुकान नहीं है। मेरे पास तो जो जानकारी है उसमें मेरे पास तो लेटर है, एक तो सब्जी वाला भी है बेचारा, उसमें कोई मेरे पास है उसके पर्याप्त सबूत। 8 में से केवल 2 दुकानें खुलती, बाकी तो सब बंद पड़ी है। नहीं, गलत है आपका, बाकी जो ना सामने का जो चौराहा है उसके सामने वाला नहीं, पंचायत की दुकानों की बात कर रहे हैं, पंचायत की दुकान की, क्यों वहाँ पे जो पूरी तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो कार्रवाई हुई ना वो तो सभी 8 के साथ एक साथ हुई ना। हमने ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ पंचायत की दुकानों का, हमने तो वो उस जगह से जिन लोगों को वहाँ से बेदखल किया, जो सामने के जो चबूतरे पे जो दुकानें थी, 6 दुकानें बनाई हुई है, वो चबूतरे पे भी तो कुछ दुकानें लगा करती है, वहाँ से भी तो उनको बेदखल किया गया है। हमने तो सारे लोगों की बात करी है, हमने केवल पंचायत की जगह ली, पंचायत की जगह पे जो लोग थे वो भी तो उस चीज़ का रसीदें हैं उनके पास, उन्होंने उस चीज़ के भी पैसे दिए हैं कि वो किराए स्वरूप जो पंचायत में जमा करते हैं उसकी रसीदें उपलब्ध हैं उनके पास। और ये जो पंचायत के जो सचिव कह रहे थे कि उन्होंने सभी ने इसकी जो ना जो राशि जमा नहीं करी है, वो सत्यता परीक्षण अगर करें तो मैं उसमें भी शायद खरा उतरूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जिन्होंने रेगुलर जमा किए हैं भाई साहब, इस बाकायदा उन्होंने अपनी जो ना किराया रेगुलर जमा किया, जो सक्षम था उसने किया है। नहीं तो ये मैं क्यों करूं? क्या आप जज हो? प्रशासन को दिखाइए, प्रशासन को क्यों दिखाऊं मैं? प्रशासन तो हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा, वो तो हड़का दे रहा है हमें, इस तरीके से बेदखल कर रहा है मतलब लोगों को, और इस तरह से हम लोगों को जो ना कल उन्होंने बेइज्जत किया, ये क्या लोक सेवक के व्यवहार है? आपने देखा होगा जिस तरीके से मैडम ने, जो लोक सेवक हैं एक बड़े पद पे है, उन्होंने जो व्यवहार आचार विचार जो किए कल हमारे साथ जो व्यवहार किए, क्या उस पद के लायक है? क्या वो उनको इस व्यवहार के साथ में उस पद पे रखना, अभी जो है ना उसी के अगर आप ज़्यादा बड़ी बात करें तो हमारे जनपद के CEO ने, मेरे ख्याल से चिचोली जनपद के CEO ने एक
सचिव को हटाई दिया पद से क्योंकि उनके व्यवहार अच्छे नहीं थे। आज के पेपर में दैनिक भास्कर और ये भी न्यूज है, तो इनको भी क्या हटा देंगे क्या? नहीं, कल आपको ये नहीं लगता है कोरोना काल के दौरान 60-70 व्यक्ति एक साथ जाए तो ये सब सही था? ये भी गलत है, हम लोग 20-25 लोग थे और हमने जो ना इस चीज की जो ना जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू पत्रकार अखबारों के थ्रू दी थी, क्योंकि इसके पहले जब लॉकडाउन चल रहा था तो कलेक्टर महोदय भी इन्हीं माध्यमों से हमें सूचनाएं दे रहे थे कि कल से ये लॉकडाउन लगेगा वो लगेगा, और इन्होंने भी जो जानकारियां दी है हमारी तहसीलदार महोदय ने और प्रशासन ने जो भी जानकारी दी वो सोशल मीडिया और अखबारों के मार्फत ही दी थी, है ना। उसी से हमें ये मालूम है कि 144 लगी है कि नहीं लगी है, है ना। ये भी उन्होंने भी उसी माध्यम को लिया तो हमने भी उसी माध्यम से उनको सूचना दी थी। ये उनका कहना बहुत गलत है कि उनके पास सूचना नहीं पहुंची। अगर उनके पास सूचना नहीं पहुंची तो ये उनकी परेशानी है, जब उन्होंने किया था तो हमने तो देखी थी वो सूचना, हमने तो उसका पालन किया। और इन्होंने रोड के ऊपर सड़क पे आम आदमियों को लठ मारे और इनसे जुर्माना किए और उन्हें किस किस से किए कितने किए सब ने अपन लोगों ने उसमें देखे, सोशल मीडिया पे ही देखे और अखबारों में ही देखे थे। उसकी जानकारी तो उन्होंने कोई मेरे घर पहुँचा के या किसी आम आदमी के घर पहुँचा के नहीं दी। मुझे बिना किसी पूर्व सूचना के 50-60 लोग जो हैं अचानक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं जो कि कानूनन रूप से सही नहीं है। इसके लिए आप पूर्व सूचना देते हैं, हम उनको एक जो प्रोसीजर है उसके बारे में अवगत कराते हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी जो है अपना पैर पसार रही है घोड़ा डूंगरी में, 4 मरीज मिल चुके हैं, है ना। तो इस संबंध में मैंने उनसे यही कहा कि आपने पूरी सूचना नहीं दी, इतने ज़्यादा लोगों का मैं ज्ञापन नहीं ले सकती, आप 4-5 लोग आइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ज्ञापन दीजिए, मैं बिल्कुल ज्ञापन लूँगी। और इसके बाद इन्होंने जो है वहाँ ज्ञापन रख के चले गए और मैंने उसको कलेक्टर महोदय के यहाँ फॉरवर्ड भी कर दिया है। आज आपने निरीक्षण किया कुछ बिल्डिंग का निरीक्षण किया है? बिल्डिंग का निरीक्षण के लिए मैंने पत्र सीओ साहब को लिखा हुआ था, इससे पहले जब अतिवर्षा के कारण जो है बैतूल में एक बिल्डिंग धराशायी हुई थी तो हमने सावधानी करते पूर्वक देखते हुए कि जनहानि ना हो इस पूरी एरिया को सील किया था। इस संबंध में मैंने सीओ साहब से जो है पत्राचार किया और उसमें टेक्निकली जो स्थिति है इस बिल्डिंग की उसको चेक कराने के लिए निर्देश दिए थे और आज इसके लिए इंजीनियर्स आए और उन्होंने चेक किया है। जो भी ये रिटर्न में रिपोर्ट मुझे देते हैं उस अनुसार मैं इसे एसडी महोदय की ओर प्रस्तावित करूंगी और जो भी निर्णय होगा एसडी महोदय। दुकानदारों को दुकानें घोड़ा डोंगरी से प्रवीण मलैया की रिपोर्ट।